नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कल औरंगाबाद में हुई महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे के विधायक बेटे की शाही शादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसानों के स्थानीय संगठन का आरोप यह है कि शादी के मैदान पर लाखों लीटर पानी बहा दिया गया ताकि वहां ठंडक बनी रहे, जबकि ये इलाका सालों से सूखे से जूझ रहा है। ये राजसी महल जैसा सेट महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बेटे संतोष दानवे की शादी का है, जो खुद भी एक बीजेपी विधायक है। इस शाही शादी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। दूसरी पार्टियों के नेता भी इस शादी में शामिल होने आए थे। करीब 6 एकड़ में आलीशान शामियाना लगाया गया था, जिसे बनाने के लिए राजस्थान से कारीगर आए थे। दावत में करीब 30,000 लोगों के लिए खाने की खास तरह की व्यवस्था थी, लेकिन शादी में शामिल होने आए 1.5 लाख आम लोगों के लिए खाने का इंतजाम अलग तरह का था। अब सूखे से जूझने वाले मराठवाड़ा के एक किसान संगठन को शादी में पानी की तरह बहाया गया पैसा चुभ रहा है। मैं जो किसान हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं खुद 3 साल से मेरा जो मैं खेती करता हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, लेकिन इनके कौन से खेत है कि उनके कौन से ज्वारी के कनी ज्वारी है या उनके गेहूं उनको सोने या चांदी लगी है, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। औरंगाबाद उसी मराठवाड़ा का हिस्सा है जहां कई किसानों ने इस वजह से आत्महत्या कर ली कि उनके पास अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और वो कर्ज में डूबे थे। शेतकारी अन्नदाता संस्था का ये भी आरोप है कि शादी में सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया है। पानी के 250 से 300 टैंकरों का इस्तेमाल शादी के मैदान में पानी छिड़कने के लिए किया गया। मैं अभी गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ कि मोदी जी से, क्या आप यहाँ ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए आप मना कर रहे, तो यहाँ भी सोने की मौजदात हो जाएंगी, तो आपको पता चलेगा कि एक औरत के गले में कितना सोना है, एक परिवार के घर में कितना सोना है, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, और इन्होंने कहाँ से पैसे लाए इतने, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। नासिक के देवलाली में अर्दली के पद पर तैनात मैथ्यू रॉय की संदिग्ध मौत की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस जवान ने एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ था, जिसमें उसने दिखाया था कि किस तरीके से आर्मी अफसर के घर वाले घरेलू काम कराते हैं और परेशान करते हैं, अर्दलियों का शोषण करते हैं। जवान मैथ्यू राय के परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज मैथ्यू का भाई जॉन उनका शव लेने नासिक पहुंचा। जॉन के मुताबिक मैथ्यू को परिवार से कोई तनाव नहीं था। नहीं, फैमिली के तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो सब नॉर्मल था कि हम लोगों को ये सुसाइड करेगा, वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। ऐसा जो हो गया, अभी वो इंक्वायरी करने। पिछले महीने मैथ्यू का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह अफसर और उनकी बीवियां सहायकों से अपने घरेलू काम करवाते हैं। बताया जाता है कि तभी से ये जवान तनाव में था। उसने फोन पर 24 फरवरी को अपने परिवार से कहा था कि मुझसे गलती हो गई। इसके बाद से ही वो गायब हो गया और उसका फोन भी बंद था। कल देवलाली आर्मी क्वार्टर से कुछ दूर वीरान इलाके में एक खंडर में रस्सी से लटकी मैथ्यू राय की लाश मिली। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लोकल पुलिस स्टेशन से FIR लॉज हो गई है और मंत्रालय के माध्यम से इंक्वायरी के आदेश दिए गए, सिवाय इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं, और जल्दी से जल्दी सामने तथ्य आएगा और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। मैथ्यू के शव के पास से मोबाइल, डायरी और मलयाली में लिखा सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिसके बारे में वो अभी कोई खुलासा नहीं कर रही। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। Thank you.